मैं बनाऊंगी चीजी अनियन ब्रेड। तो चलें फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हम चीज अनियन ब्रेड जो है वो बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप के करीब यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब चीनी, 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने ड्राई ईस्ट ले लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ और अभी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सॉफ्ट डो जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए जी, डो यहाँ पे हमारी रेडी है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है, अभी हम इसको कवर कर देते हैं और 30 मिनट के लिए हम इसको छोड़ते हैं और उसके बाद 30 मिनट के बाद इसकी ब्रेड जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, डो हमारी तैयार है और इसके अंदर से एक्स्ट्रा बबल्स जो है वो निकाल देते हैं और इसको मैं 6 पीसेस में जो है वो डिवाइड कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ से एक एक पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से जो है वो हम फ्लैट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह से रोटी को हमने फ्लैट कर लिया है। अभी यहाँ पे इसको इस तरह से हम हाफ जो है वो कर देते हैं, ठीक है। एक इसको निशान दे देते हैं यहाँ पे और इस हाफ जो ब्रेड है उसके ऊपर इस तरह से हम बटर जो है वो इस तरह से अप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ से हम इस तरह से इसको बंद कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से अप्लाई करेंगे दूध अच्छे से। इसके ऊपर इस तरह से हम ब्रश की मदद से दूध को जो है वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। और यहाँ पे जिस तरह के हम चीज़ी अनियन ब्रेड जो है वो बना रहे हैं, तो अभी यहाँ पे मेरे पास प्याज है, उसको इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देते हैं और अब इसके ऊपर रखेंगे चीज़ और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ओरिगेनो, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का जो है वो आएगा। और थोड़े से डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो चलिए जी, बाकी भी ब्रेड इसी तरह से ही मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ब्रेड हमारी रेडी है बेक होने के लिए। तो इसको बेक करते हैं 170 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए। तो जैसे ही हमारी ब्रेड तैयार होती है फिर दिखाती हूँ आपको। अभी यहाँ पे ब्रेड की हम फिलिंग तैयार करते हैं चिकन के साथ। तो एक छोटी प्याज मैंने ले ली है, उसको इसमें शामिल कर देते हैं और इसको हल्का जो है वो गोल्डन होने देते हैं। चीज़ी अनियन ब्रेड जो है वो तैयार है। देखिए जी, यहाँ पे प्याज हल्का सा जो है वो गोल्डन हो गया है। अभी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 प्याली के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च को मैंने दरदरा पीस लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं और इसमें अच्छे से चिकन को जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को जो है वो मसाले में इस तरह से जो है वो हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी कुछ मसाले इसमें हम शामिल करते हैं और यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हम शामिल कर देंगे सोया सॉस, कुछ मसाले शामिल कर देते हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा शामिल करेंगे पेपरिका कलर के लिए। तो चलिए जी, इन सभी मसाला जात को मिक्स करके तो हम इसको कवर कर देते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट बताती हूँ क्या चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर देंगे और अभी यहाँ पे मैं इसको कवर कर देती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन हमारा बहुत अच्छा जो है वो टेंडर हो गया है। अभी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस। तो चलिए जी, इसको मिक्स करती हैं और इसके साथ ही इसमें मैं चीज़ जो है वो ग्रेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पीस चीज़ का है और इसको मैं इसमें इस तरह से ग्रेट कर देती हूँ। चीज़ को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं
तो फिलिंग हमारी बहुत ही क्रीमी चीज़ी जो है वो तैयार होगी। और अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ चीज़ें जो है वो और शामिल करेंगे। अभी यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून के करीब इसमें केचप जो है वो ऐड कर देते हैं और 2 टेबल स्पून के करीब ही मेयोनीज, इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए जी, फिलिंग हमारी तैयार है। अभी हम इसको अपनी अनियन ब्रेड में जो है वो इसको फिल कर देते हैं। तो ये देखिए जी, बटर लगाने से ब्रेड जो है वो बहुत आसानी से जो है वो खुल गई है। अभी हम इसके अंदर रखेंगे 1 सलाद पत्ता। तो यहाँ पे जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की है वो इसके अंदर इस तरह से हम सेट कर देते हैं। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार ब्रेड जो है वो तैयार हो गई है। तो जी फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार चीज़ी अनियन ब्रेड जो है वो तैयार है। तो अगर ये मेरी मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।